बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है वो है कि वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे और यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। बट वो ऊपर ना जाने के बजाय वो नीचे चला जाता है, और ऐसा होता क्यों है? वो एक तरह से वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो आप लोग कैसे वो फॉल्स ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं वो मैं आगे बताऊँगा, और ये फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच कर आप लोग अपना स्टॉप लॉस को भी बचा सकते हैं। आज मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पहचाने ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोग को ऐसे दो तीन तरीके बताऊंगा, अगर कोई चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोग इजीली पता कर लोगे कि वो ब्रेकआउट सही है कि नहीं। तो और मैं इसके साथ ही साथ और एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये चीज़ जान लोगे तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी अलग लेवल तक होने वाली है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर, ऑपरेटर ये सारे लोग फॉलो करते हैं। और मैं बता दूं, इसे एक बार आप लोग देख लोगे ना, मैं गारंटी बोल सकता हूँ आपका जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी है वो तो बढ़ने ही वाला है, और साथ ही साथ जो आप लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है वो आज के बाद कम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट बचने के लिए अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। मान के चलो ये चार्ट एक्स वाई जेड कंपनी का है, कोई भी कंपनी का आप लोग मान लो। आप लोग को दिख रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था और ये एक जगह यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए होंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए होंगे, और आप लोग वेट क्या कर रहे होंगे कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ बाय का सिग्नल लेंगे, और ये अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो हम लोग यहाँ सेल का सिग्नल लेंगे। तो आप लोग जैसे कि गलती कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस को हल्का ये प्राइस ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ एंट्री ले लिए होंगे, और आपका स्टॉप लॉस मान लो ये कैंडल का लो में रखा होगा तो हिट कर गया होगा, और बहुत सारे लोग सपोर्ट में हो स्टॉप लॉस रखे होंगे तो वो भी हिट कर गया होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि आप लोग को कैसे पता लगेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कि नहीं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं जो सबसे आप लोग को इजी और सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ वॉल्यूम का। अगर आपको देखो यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो आप लोग को देखना है क्या कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन वॉल्यूम बननी चाहिए, और जो वॉल्यूम बननी चाहिए वो वॉल्यूम की मूविंग एवरेज से ज़्यादा बननी चाहिए। मूविंग एवरेज ऐसा होगा वॉल्यूम का, तो इससे ज़्यादा बनना चाहिए। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं चार्ट में ले जाकर दिखाऊंगा, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो आप लोग को वॉल्यूम देखना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चांस है वहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो उसके लिए मैं चार्ट में ले जाऊंगा, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं जो कि अक्सर आप लोगों को नहीं बताया जाता है कि यहां पर देखो बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते हैं कि रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करेगा प्राइस तो आप लोगों को यहां पर बाय का एंट्री ले लेना है, और बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते होंगे कि आप लोगों को कैंडल का लो पर स्टॉप लॉस रखना है या स्टॉप लॉस आप लोगों को सपोर्ट पर रखना है। बट मैं बता दूं यहाँ पर बहुत बड़ा ऑपरेटर गेम करते हैं। ऑपरेटर मतलब कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, वो लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो इसलिए वो लोग फेक एक ब्रेकआउट दिलवाते हैं ताकि यहाँ पर आप लोग एंट्री लो और वहाँ से वो लोग यहाँ से शेयर प्राइस को नीचे गिराए। ये ऑपरेटर का काम होता है। ऑपरेटर मतलब जिसके पास बड़ा बड़ा पैसा है, वो लोग तो चाहते हैं कि आप लोग को फंसाना, तो वो लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप लोग ने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है। तो स्टॉप लॉस कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप लोग यहाँ स्टॉप लॉस रखें या यहाँ रखें, यहाँ रखें या सपोर्ट पर भी आप लोग स्टॉप लॉस रखें, तो ऑपरेटर को कहीं ना कहीं पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, तो इसलिए तो वो पहले प्राइस को ऊपर ले गए, फिर उसके बाद यहाँ से देखो नीचे ले गए, और फिर यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर चला गया। तो ये सारा ऑपरेटर का गेम होता है। तो इसलिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो सपोर्ट के थोड़े नीचे रखना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस रखे होते तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होता। तो ऑपरेटर का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो सोच समझ के रखें, और हमेशा जहाँ पर भी रख रहे हैं तो उससे थोड़ी दूर में स्टॉप लॉस रखें, और ख़ासकर सपोर्ट के थोड़े दूर पर रखें। तो इससे होगा क्या कि आप लोग को लॉस होने का चांस कम है। और जैसे कि यहाँ पर मान के चलो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री कर लिए और यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास नहीं, ये एग्जैक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस मत रखना, इसके थोड़े नीचे रखना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। उससे होगा क्या कि आप लोग ऑपरेटर का गेम से बच जाओगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ ऑपरेटर ने गेम किया, पहले यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिलाया, फिर यहाँ से प्राइस को सारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जिसने यहाँ यहाँ रखा होगा, फिर उसके बाद अगर जिसने स्टॉप लॉस सपोर्ट पर भी रखा होगा उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और जिसने अपना स्टॉप लॉस थोड़े नीचे रखा होगा तो उसका तो हिट ही नहीं हुआ होगा। तो ऑपरेटर ने सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिटेल भाई है उसका लॉस कराया, फिर उसके बाद वो लोग यहाँ से शेयर प्राइस ये ऊपर चला गया।
तो यही सबसे बड़ा गेम होता है ऑपरेटर का। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पर ले जाकर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लोग को वॉल्यूम कैसे देखना है। यहाँ पर देखो मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है और वो मैं टाइम फ्रेम को मैंने यहाँ पर डेली चूज किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार कुछ महीने से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर देखो मार्च से लेकर अगस्त तक में कंपनी का शेयर प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है, मतलब कि एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है, और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप लोग, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ महीने से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ मार्च में आकर एक हाई मारा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लो मारा, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर देखो सपोर्ट को भी ये तोड़ा, ये बोल सकते हैं यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। बहुत कोई यहाँ पर सेल किए होंगे, यहाँ लॉस हो गया होगा, यहाँ से शेयर प्राइस फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो इसे कैसे आप लोग पता कर पाएंगे कि ये सही ब्रेकआउट है या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो उसके लिए वॉल्यूम का यूज़ करना है। तो इंडिकेटर में जाके आप लोगों को सिंपली सर्च करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम सर्च कर लिया, तो यहाँ देखो पहला जो आया वॉल्यूम उस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर वॉल्यूम की कुछ सेटिंग को आप लोग को चेंज करना है, चेंज नहीं कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपली आप लोग को इनपुट्स का आएगा, तो स्टाइल में आ जाना है, और स्टाइल में आने के बाद नीचे देखो वॉल्यूम MA का मतलब मूविंग एवरेज है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। और जैसे यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम के पास यहाँ पर मूविंग एवरेज वॉल्यूम का ऐड हो गया है। ये ब्लू कलर का लाइन देखो आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो, ये ब्लू कलर का लाइन, ये मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का। तो यहाँ देखो कंपनी का शेयर प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये कैंडल ने जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और यहाँ देखो वॉल्यूम भी एक बड़ी बनी और ब्लू लाइन से ज़्यादा बनी, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और मैं बता दूँ बहुत बार ऐसा होगा ना कि ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, और इस तरह का सेटअप अगर बनता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है और यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ये फिर से रेजिस्टेंस के पास आके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये बिल्कुल सही सेटअप है बाय करने के लिए। बट मैं बता दूँ मैं कोई बाय एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, मैं सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक बड़ा कैंडल बना और यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम बनी और वो भी मूविंग एवरेज से ज़्यादा बनी, वॉल्यूम की मूविंग एवरेज से ज़्यादा बनी, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और मैं आपको आगे जो बताऊँगा ना, आप लोग इससे इंटर रिलेट करोगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या आपको आगे बताया है। आप लोग ये वीडियो को आगे देखो, और मैं बताऊंगा कि हर कोई जो मैं आज बता रहा हूँ वो टाटा मोटर्स का चार्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देखना, और आप लोग को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा टाटा मोटर्स से। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बता दे रहा हूँ मैं आगे क्या क्या बताऊँगा, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी हुआ है और यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल भी बनी है, जो मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मेरा कहने का मतलब रेजिस्टेंस को अगर ये कैंडल ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर एक वॉल्यूम बड़ी बन रही है और वो भी वॉल्यूम की मूविंग एवरेज से ज़्यादा बन रही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ मेरा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की क्या पहचान होती है, आपको हमेशा वॉल्यूम देखना है। तो अब मैं आपको ऐसे और दो तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो ब्रेकआउट सही है या गलत है। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ये रेजिस्टेंस, इसके अंदर प्राइस घूम रहा है, तो देखो कैंडल होता है, तो आपने देखा होगा कि कैंडल, अगर मेरा बात ध्यान से सुनो, मान के चलो ये कैंडल है और इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वीक किया, कैंडल का वीक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वही है अगर कोई कैंडल, बिग कैंडल, बड़ा कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, मतलब कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए एक बिग कैंडल। तो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर बिग कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और इसके बाद जो कैंडल अगर इसके भी हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर वीक क्लोज हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर एक बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ये तो रहा पहला तरीका। और एक दूसरा तरीका है, अगर यहाँ प्राइस चल रहा है और 3 लगातार ग्रीन कैंडल बनता है ऐसे करके,
पहला एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद एक इसका हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, फिर इसका एक हाई को ब्रेक किया, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। यहाँ से भी शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो दो तरीका मैंने बताया, तो एक बार मैं इसे आप लोग को एक बार चार्ट में ले जाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को इजिली समझ में आए। देखो मैंने फिर से आप लोग को पहला वाला चार्ट में लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ देखो क्लोज, इसका वीक ने क्लोज दिया यहाँ पर। तो ऐसे ही आप लोग को मैंने टेक्निक बता दिया, अगर वीक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर ये वीक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेक करता रेजिस्टेंस को, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो एग्जांपल आप लोग समझ गए। और मैंने एक और तरीका बताया कि तीन अगर लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप लोग को हमेशा देखने की ज़रूरत है। एक वॉल्यूम देखो आप लोग, वॉल्यूम हाई है कि नहीं। दूसरा, रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर और एक ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि तीन लगातार ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि आप लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले पाओगे और फॉल्स ब्रेकआउट से 90% आप लोग बच जाओगे। आप लोग को मैंने फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मेरा बात मानो, आप लोग का जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी है ना, अलग लेवल का बढ़ाने वाला है। और बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये न्यू चीज़ भी हो सकता है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आज मैं जो बताऊंगा आप लोग को, इससे होगा क्या कि जो लोग आप लोग एंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का सही होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में। बहुत सारे लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे, चिंता मत करो, काफ़ी इजी है और काफ़ी आसान है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो मैं बता दूं ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। सबसे पहले मेरा बात सुनो, होता क्या है ना कि देखो हमारा जो स्टॉक मार्केट है ना वो दो तरह से चलता है, एक लिक्विडिटी की तरह और एक इम्बैलेंस। बहुत सारे लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे, टेंशन मत लो, काफ़ी ईजी है। लिक्विडिटी का मतलब कि सेलर और बायर का लड़ाई। देखो यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से बायर ने ऊपर लेके गया और यहाँ सेलर बैठे हैं, फिर उसे नीचे गिरा दिए, फिर यहाँ से बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर यहाँ से नीचे गिरा दिए। फिर एक टाइम आएगा जब सेलर्स और बायर्स दोनों हावी हो जाएंगे और देखेंगे कि उसमें से कौन जीतता है। तो कभी कभी हो क्या कि बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गए तो सेलर को वहाँ से बोल सकते हैं आप लोग उसे हरा कर वो ऊपर की तरफ प्राइस को लेके जाएंगे। तो यही चलता है, एक तरह से बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट चलता है लिक्विडिटी की वजह से, मतलब कि सेलर और बायर की लड़ाई की वजह से। और एक चीज़ होता है इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस होता क्या है, अब मैं इम्बैलेंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं। इम्बैलेंस हेड राइटिंग आप लोग मत जाना, समझ लो। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा रहा था, अचानक यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब कि 1% 2% हर दिन भाग रहा था, अचानक से यहाँ 5% भाग गया। फिर मतलब कि इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है, मतलब कि कंपनी का शेयर प्राइस अपने औकात से ज़्यादा भाग गया है। तो अगर औकात से ज़्यादा भाग गया है ना तो ये आने वाले दिन में ये अपने औकात में ज़रूर आएगा। तो इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हुआ है, यानी कि ये कंपनी अपने औकात से ज़्यादा भाग गया है, तो उसके लिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो इसी को मेजर करने के लिए फेयर वैल्यू गैप बनाया गया। मैं चार्ट में दिखाऊंगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो कैंडल है इसके प्रीवियस कैंडल के हाई पर यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेना है, फिर उसके ऊपर जो कैंडल है उसका क्लोज पर यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेना है। तो इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर इसी के पास आके, यानी कि इस लाइन को आके टच करे या इसके बीच में आए या यहाँ पर आके टच करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप लोग सोचो, बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक 5% भाग गया तो चलो यहाँ पर खरीद लेते हैं और यहाँ से भागेगा शेयर प्राइस। होता क्या है, ठीक उल्टा हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे या उसके एक दो दिन बाद एंट्री करेंगे और होगा क्या, यहाँ से सीधे शेयर प्राइस यहाँ पर धराम गिरेगा और फिर यहाँ से उठेगा। तो क्यों ना आप लोग यहाँ फेयर वैल्यू गैप के पास आके खरीद देंगे, तो इससे होगा क्या कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग खरीदे वो तो फंसे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लो पर स्टॉप लॉस रखा होगा या प्रीवियस कैंडल के लो के पास यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा, तो बहुत सारे लोग को स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप ना काफ़ी यूनिक चीज़ है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और कंपनी का शेयर प्राइस ना आता ही आता है फेयर वैल्यू गैप के पास।
तो चलो अब मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ। यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखो मैंने जैसे कहा था कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ देखो एक बिग ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी। तो इसका ये वाला प्रीवियस कैंडल का जो बिग कैंडल बना है उसका प्रीवियस कैंडल का हाई पर यहाँ पर लाइन मार्क हो गया, और उसके बाद जो कैंडल बनी उसका लो पर एक लाइन मार्क हो गया। तो इसी के बीच को इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो यहाँ देखो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पर और एक चार्ट देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शेयर प्राइस यहाँ से धीरे धीरे जा रहा था, यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसका ग्रीन कैंडल बनी। सिंपली इसके प्रीवियस वाला हाई पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया, और इसके एक जो उसके बाद जो कैंडल बना था बड़ी कैंडल के बाद एक कैंडल बना था उसके लो पर यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया गया, और इसी को बीच को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यानी कि यहाँ से शेयर प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से उठेगा, तो इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब मैं आपको मज़ेदार की चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, और यहाँ पर देखो इसने फेयर वैल्यू गैप को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। इसके प्रीवियस के हाई पर एक लाइन ड्रॉ किया और इसके लो पर एक लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पर शेयर प्राइस देखो ऐसे 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 करके फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के पास आया और फिर से यहाँ पर शेयर प्राइस ऊपर गया। मतलब कि शेयर प्राइस जो है वो इम्बैलेंस को पूरा कर रहा है, कि अचानक जो शेयर भाग जाता है ना ऊपर तो वो बैलेंस में नहीं रहता है, वो अचानक भाग जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो फिर से वही प्राइस में आएगा और उसी गैप को फिल करके फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गई होगी तो आप लोग चिंता मत करो, मैं इसके ऊपर और डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। बट मैंने जितना एग्जांपल बता दिया ना इतना इनफ है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोग सिंपल समझिए कि जब कंपनी का शेयर प्राइस अपने औकात से ज़्यादा भाग जाता है तो वो अपने औकात के पास फिर से आता है, बस यही समझ लो फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की क्या क्या पहचान होती है, और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप मैं गारंटी बोलता हूँ अगर इसे आप लोग अपने ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं ना तो आपका जो ट्रेडिंग का लेवल अलग लेवल का होने वाला है। और अगर आपको इसी टाइप का वीडियो देखना पसंद आता है या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टाइप का वीडियो आगे भी बनाऊं, तो सिर्फ कमेंट में आप लोग यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को इसी तरह का वीडियो पसंद आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।